हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। क्रोमैटोग्राफी का पहले आप कुछ एक एग्जांपल ले लो जिसे आप समझ में आए बाकी चीजें। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सचर लिया है। मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, आपका ब्लड सैंपल्स या कुछ भी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सचर ऑफ सैंपल। और पर्टिकुलरली अगर हमें जानना है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, या हमें आइसोलेट करना है या सेपरेट आउट करना है कि कौन कौन से इस मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं, तब हम यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी यूज करते हैं और उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम जान पाते हैं या सेपरेट या आइसोलेट कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं क्रोमैटोग्राफी की तरफ से। ये ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफिन मीन्स टू राइट और राइटिंग, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है जो कि हेल्प करती है सेपरेशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में पहले ही बता दिया है। तो ये क्या होता है ना, क्रोमैटोग्राफी बहुत सारे टाइप्स की होती है। जैसे आपका हो गया TLC, फिर आपका हो गया पेपर क्रोमैटोग्राफी, फिर आपका हो गया कॉलम। ऐसे बहुत सारे क्रोमैटोग्राफी है जो कि मैं आगे वीडियोस में आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज आपको समझ लेनी है, वो है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, जो कि क्रोमैटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका सारा क्रोमैटोग्राफी आप समझ पाओगे। तो चलिए हम समझते हैं कि ये मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल पहले देती हूँ, फिर उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप किसी पेन से, जेल पेन स्पेशली, जेल पेन से किसी पेपर में आपने कुछ लिखा है, ठीक है, और उसमें गलती से आपके हाथों से कुछ बूंद या कुछ ड्रॉप्स वाटर गिर जाते हैं, ठीक है, उस पेपर में। तो आप कुछ देर के बाद देखोगे उस पेपर में उसका किस तरीके से, पेपर में क्या हो जाता है, वो पेन का जो आप लिखे रहते हो ना, वो थोड़ा थोड़ा फेड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मूव हो जाता है वो वाटर के मिलने की वजह से। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्रोमैटोग्राफी में लगानी है फ्रेंड्स। तो मैं समझा देती हूँ। ये जो वाटर है ना आपका, ये आपका हो गया मोबाइल फेज, ठीक है, और ये जो पेपर है ना, ये हो गया आपका स्टेशनरी फेज। यानी मोबाइल फेज जो है वो आपकी है सॉल्वेंट, और स्टेशनरी फेज जो है वो आपकी एक कांस्टेंट है जो कि मूव नहीं कर सकती। और इसकी जो सरफेस एरिया होती है ना, सरफेस एरिया स्टेशनरी फेज की मोबाइल फेज से बड़ी होती है। तो मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड या गैस के फॉर्म में हो सकती है, और स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में हो सकती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं आप कुछ बेसिक टर्म्स जो है क्रोमैटोग्राफी का आपको समझाने वाली हूँ। पहला जो है वो है एलिवेट, और दूसरा जो है वो है एलिवेंट। तो एलिवेट क्या होता है ना फ्रेंड्स, एलिवेट जो होता है वो मोबाइल फेज लीविंग द कॉलम होता है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये मोबाइल फेज जो है वो लीव कर रही है हमारे कॉलम को। यहाँ पे समझने की बात है जो दोस्तों, कि जो कॉलम है ना वो हमारी है स्टेशनरी फेज, ठीक है। मैंने स्टेशनरी और मोबाइल फेज का तो डिफरेंस बता ही दिया है आपको। अब बात आती है एलिवेंट की। एलिवेंट जो है ना वो एक सॉल्वेंट है जो आपके एनालाइट को कैरी करती है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये जा रही है और ये कैरी कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू।